हेलो दोस्तों, मैं भारत कुमार आपका स्वागत करता हूं एस्पायर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए अर्थशास्त्र विषय की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही खास विषय टॉपिक लेकर आए हैं, जो है मांग, डिमांड, जो आपका 11th-12th क्लास में, बीए में, एमए में, इसके अलावा जनरल कंपटीशन में भी बहुत ज़्यादा काम का टॉपिक है। यह आपके सामान्य जीवन में भी बहुत काम आता है। अब बात करते हैं डिमांड यानी मांग। मांग होता क्या है? मांग सामान्य अर्थों में, इन जनरल वे, जो डिमांड को हम मानते हैं, सामान्य अर्थों में जो डिमांड को माना जाता है, हम डिमांड को इच्छा यानी जो डिमांड है उसको इच्छा के रूप में प्रकट करते हैं और हम उसको डिमांड मान लेते हैं। ऐसा नहीं होता। अगर हम इसका एग्जांपल लें, एक कार आपके यहाँ से निकली, आप मॉर्निंग वॉक पर गए थे, आपके बराबर से होंडा सिटी निकली, तो आपका क्या इच्छा हुई? हाँ, हमारे पास भी हो, लेकिन ये केवल इच्छा है, डिमांड नहीं। हम सामान्य अर्थों में इसको, इच्छा को डिमांड मान लेते हैं। अर्थशास्त्र में डिमांड का मतलब ये नहीं है। अर्थशास्त्र में यानी अर्थशास्त्र के हिसाब से, इकोनॉमिक्स के हिसाब से जो डिमांड होती है, मांग होती है, वो अलग होती है। वो तीन चीज़ों पर डिपेंड करती है मुख्य रूप से। अगर हम देखें, एक कार हमारे पास से गई, इच्छा हुई कार को लें, वो केवल इच्छा हुई। अब उसके अलावा, इस इच्छा होने के अलावा, एक तो हमारी इच्छा हुई कि हम उस कार को खरीदें, खरीदने के लिए हमें क्या चाहिए? खरीदने के लिए हमें चाहिए खरीदने की शक्ति यानी परचेजिंग पावर, खरीदने की शक्ति या परचेजिंग पावर, पीपी, परचेजिंग पावर या क्रय शक्ति, जिससे हम उस वस्तु को खरीद सकें। अब हमारे पास दो चीज़ें हैं, इच्छा भी है, खरीदने की शक्ति भी है, लेकिन उस चीज़ को खरीदने की इच्छा है और क्रय शक्ति भी है, लेकिन हमारा मन नहीं किया अभी, हमें नहीं लगा कि हमें ये वस्तु अभी खरीदनी चाहिए। हमारे पास जो उस वस्तु की परचेजिंग पावर है, उसको हम अदर यूटिलाइज भी कर सकते हैं, उसका दूसरा प्रयोग भी कर सकते हैं, तो अभी हमें उसको खरीदने में समय नहीं है, इच्छा नहीं है कि इस समय हम खरीदें। जो टाइम है, निश्चित समय अभी नहीं आया है, हम उस वस्तु को अभी नहीं खरीदेंगे, तो भी उस वस्तु की डिमांड हमारे द्वारा नहीं हुई। उस वस्तु की मांग या डिमांड जब होती है, जब ये तीनों चीज़ें यानी इच्छा भी है, क्रय शक्ति भी है और निश्चित समय हमारा मन भी है, अभी खरीद रहे, तत्परता भी है, लाओ हमें अभी कार लेनी है, हमारी इच्छा हुई, क्रय शक्ति हमारे पास है, चेक लिया और शोरूम पर गए, जाके शोरूम वाले को दिया, भैया ये चेक लो, तो जब हम उसको चेक दे रहे हैं, तब हम उस वस्तु की डिमांड कर रहे हैं। अब हम इन तीनों चीज़ों को एक बार और दोबारा स्पष्ट करेंगे। हमारे पास से हम जा रहे हैं मार्केट में, किसी हलवाई की दुकान है, वहाँ से निकले, तो हमारी इच्छा हुई कि हमें यहाँ से कुछ ना कुछ खरीदना चाहिए, और ख़रीदने की इच्छा हुई, लेकिन हमने क्या गलती की, हम अपना पर्स भूल आए। पर्स में क्या था? पैसा। लेकिन आज के टाइम पे केवल पैसा ही क्रय शक्ति नहीं है। आपकी जेब में मोबाइल फ़ोन है, आप फ़ोन पे कर सकते हो, पेटीएम कर सकते हो, भीम पे कर सकते हो, तो क्रय शक्ति आपकी इच्छा भी है, क्रय शक्ति भी है, और आप घूम के थक गए थे, तो आपकी उस समय जो निश्चित टाइम है यानी भूख लगी हुई है, तो वो भी आपको ज़रूरत है, तो आपने क्या किया, भैया हमें ये चीज़ दें, हम अभी ये आपको फ़ोन पे कर रहे हैं, अभी हमें तत्परता भी है, निश्चित समय भी है, भूख लगी हुई है, तो हमने खा लिया। यानी जहाँ तीनों चीज़ें, क्या इच्छा, क्रय शक्ति और निश्चित समय, किसी वस्तु को पाने की इच्छा होने के साथ साथ, जब हमारे पास
उसको खरीदने की क्षमता और एक निश्चित समय जिसमें हम उसको खरीद रहे हैं, तीनों एक साथ होंगे तो हम उस वस्तु की मांग कर रहे हैं, यानी हम उस वस्तु की डिमांड कर रहे हैं। ये हुआ आपका मांग में सामान्य अर्थों में और इकोनॉमिक्स के हिसाब से मांग में अंतर। अब बात आती है मांग क्यों, व्हाई, हम किसी वस्तु की डिमांड क्यों करते हैं, क्यों, क्योंकि हमें उसकी उपयोगिता होती है, यूटिलिटी होती है। क्या होती है? उपयोगिता। जब हमें किसी वस्तु की उपयोगिता है, मैंने जैसा आपको कहा भूख लगी थी, हम हलवाई की दुकान पर थे, हमने खाना लिया, खा लिया, क्यों, क्योंकि भूख लगी थी, हमें उसकी उपयोगिता थी। उपयोगिता का मेजरमेंट नहीं होता है मुख्य रूप से, लेकिन उपयोगिता से हमें क्या मिलता है, सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि, पेट भरा, हमें ये नहीं पता कितना भरा कितना नहीं, लेकिन भरा। तो हम डिमांड क्यों करते हैं, हमने मांग क्यों की, क्योंकि हमें उस वस्तु की उपयोगिता थी, और उपयोगिता का मुख्य रूप से मेजरमेंट नहीं होता, और ज़रूरी नहीं उपयोगिता पॉजिटिव वे में ही हो। आपने देखा हो एक शराबी व्यक्ति को शराब की उपयोगिता होती है, हालांकि वो उसके शरीर के लिए हानिकारक है, लेकिन वो फिर भी उसकी ज़रूरत है, उपयोगिता है, तो वो उसको खरीदता है। तो उपयोगिता पॉजिटिव वे में भी हो सकती है, नेगेटिव वे में भी हो सकती है। तो हमें उपयोगिता थी इसलिए हमने उसकी डिमांड की। अब बात आती है ये जो मांग है ये किस किस चीज़ों द्वारा, किन किन चीज़ों द्वारा प्रभावित होती है, या करने वाले कारक मांग को प्रभावित करने वाले कारक, यानी मांग जो है किन किन चीज़ों से प्रभावित होती है। उसका सबसे पहला कारक है प्राइस, यानी कीमत। दूसरा है आय, वस्तु की कीमत और उपभोक्ता की आय। तीसरा उसका मुख्य कारण है संबंधित वस्तु की कीमत, यानी पहला होगा प्राइस, दूसरा होगा इनकम, तीसरा होगा प्राइस रिलेटेड गुड्स, और चौथा इसका मुख्य कारक है मौसम। एक अन्य कारक है फैशन, और इसका अंतिम जो कारक है वो है अन्य। बाकी जो भी कारक बचे अन्य में हम लिख लेंगे। ये मांग को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक हैं। अब ये किस प्रकार मांग को प्रभावित करते हैं वो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। इसको हम इक्वेशन के रूप में भी इस प्रकार लिख सकते हैं, इस प्रकार यहीं तक रखें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फैशन। फैशन से वस्तु की मांग किस प्रकार प्रभावित होती है। आज जो फैशन है वो कल नहीं रहेगा, तो आज जिस वस्तु का फैशन है उस वस्तु की डिमांड की जाएगी। अगर हम बात करें गर्मियों में तो हाफ बाजू के टी शर्ट की बात होती है, और अगर हम सर्दियों की बात करें तो स्वेटर की मांग ज़्यादा होती है, यानी उस समय अब वो किस फैशन में है, वो चल रहा है, वो वहाँ मांग होती है। अब बात करें मौसम, मौसम से किस प्रकार किसी वस्तु की मांग प्रभावित होती है। आप कॉलेज में गए और बहुत ज़्यादा गर्मी उस दिन है, कॉलेज के बाहर एक आइसक्रीम वाला है, तो आप बाहर आते हुए उस आइसक्रीम फटाफट खरीदेंगे, यानी आइसक्रीम की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई। आप अगले दिन भी कॉलेज गए, पहले दिन आइसक्रीम वाले की 500 आइसक्रीम बिक गई थी, तो अगले दिन और ज़्यादा लेकर आएगा, उसको पता लगा बहुत जल्दी आइसक्रीम वहाँ बिकती है, कॉलेज के बाहर खड़ा है। लेकिन अगले दिन का मौसम अचानक बारिश होना शुरू हो जाता है सुबह से, और मौसम ठंडा हो जाता है, तो क्या हुआ, उसकी जो डिमांड थी, आप बाहर आए लेकिन आपने आइसक्रीम नहीं खरीदी, आपने आइसक्रीम की डिमांड नहीं की, तो उसकी आइसक्रीम नहीं बिकी। तो ये होता है मौसम का प्रभाव। अब ये नेक्स्ट है संबंधित वस्तु की कीमत।
संबंधित वस्तु की कीमत का मतलब है आप सुबह उठते हो चाय पीते हो, यानी मान लिया बाहर चाय पीते हो और चाय के बराबर में कॉफ़ी शॉप भी है, अगर कॉफ़ी सस्ती हो जाए तो आप क्या करोगे, चाय की बजाय कॉफ़ी पियोगे। आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो और चाय भी पीते हो, कोल्ड ड्रिंक बहुत ज़्यादा सस्ती हो गई तो आप क्या करोगे, चाय को छोड़कर कोल्ड ड्रिंक ज़्यादा सस्ती है कोल्ड ड्रिंक पी ली। तो इस प्रकार जो संबंधित वस्तु हैं उससे रिलेटेड गुड्स हैं उनकी कीमत भी वस्तु की मांग को प्रभावित करती हैं। इसी प्रकार इनकम यानी आय, आय जो है जब उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है तो उपभोक्ता अपना जो कंजप्शन है वो बढ़ा देता है। मान लिया किसी वस्तु की किसी व्यक्ति की उपभोक्ता की जो सैलरी है वो पहले 50,000 रुपये थी, वो उसमें से 50% कंज्यूम करता था, 50% की सेविंग करता था, यानी 25,000 रुपये उसकी सैलरी है 50,000 और वो 25,000 रुपये खर्च कर रहा है, 25,000 रुपये सेव कर रहा है। ये तो हो गया उसका कंजप्शन और ये होगी उसकी सेविंग। लेकिन अब इंक्रीमेंट लगा, उसकी सैलरी अचानक से बढ़ के 70,000 हो गई। अब भी हम मान के चलेंगे कि वो 50% ही खर्च करेगा, तो 50% खर्च करने में उसका खर्च कितना हुआ, सेविंग कितनी हुई। तो पहले खर्च करता था 25,000 रुपये, अब खर्च कर रहा है 35,000 रुपये, तो उसका कंजप्शन बढ़ा है। कंजप्शन बढ़ने का मतलब है जब उसका खर्च बढ़ा है तो उसने वस्तुओं की डिमांड बढ़ाई है। अतः किसी वस्तु की, किसी उपभोक्ता की इनकम बढ़ने पर या आय बढ़ने पर वस्तु की मांग बढ़ जाती है। सामान्य अर्थों में अगर उपभोक्ता की आय कम होगी तो वस्तु की डिमांड भी कम होती जाएगी। अब जो सबसे लास्ट बचा, कीमत, यानी किसी वस्तु की कीमत पर, कीमत का उसकी मांग पर किस प्रकार प्रभाव पड़ता है, उसको हम विस्तार से पढ़ेंगे। किसका, कीमत का, ये आपका बचा कीमत का मांग पर प्रभाव। अगर आपने पढ़ा हो या सुना हो मांग का नियम, वो यहीं से आया, क्या, लॉ ऑफ डिमांड या मांग का नियम। मांग का नियम या सो क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ डिमांड। अब वस्तु की कीमत जैसे जैसे बढ़ती है उसकी डिमांड वैसे वैसे कम होती जाती है, यानी वस्तु की जो कीमत बढ़ी उसकी मांग कम हो गई। वस्तु की कीमत बढ़ी डिमांड कम हुई, वस्तु की कीमत घटी डिमांड वस्तु की बढ़ गई। इसी को हम मांग का नियम कहते हैं, लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता है, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, यानी मांग का नियम बताता है कीमत, वस्तु की कीमत, वस्तु की कीमत और मांगी गई मात्रा में विपरीत संबंध होता है, यानी इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड या क्वांटिटी डिमांडेड, इसी को हम लॉ ऑफ डिमांड यानी मांग का नियम कहते हैं। ये आपका लॉ ऑफ डिमांड हुआ, क्या, प्राइस बढ़े डिमांड कम हुई, प्राइस घटे डिमांड कम हुई। इसी को हम अगर ग्राफ के रूप में प्रदर्शित करें तो ये आपका हुआ ओ एक्स वाई, यहाँ आपका आया प्राइस, यहाँ आया क्वांटिटी डिमांडेड। ये इस तरह, अभी हमने पढ़ा इनके बीच इनवर्स रिलेशनशिप यानी ऋणात्मक संबंध, उल्टा संबंध होता है। जहाँ भी आपका इनवर्स रिलेशनशिप की बात करेंगे वहाँ आपका निगेटिव स्लोप वाला यानी इस तरफ से इस तरफ आता हुआ कर्व होता है,
जहाँ भी आप निगेटिव स्लोप की बात करें, इसका मतलब ये है आपका जब प्राइस 40 रुपये था तो डिमांड 10 केजी थी, अब आपका प्राइस घटा तो आपकी डिमांड क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ गई, आपका प्राइस और ज़्यादा कम हुआ तो क्वांटिटी डिमांडेड और ज़्यादा बढ़ गई, यानी कीमत जैसे जैसे कम हो रही है मांगी गई मात्रा वैसे वैसे, यानी मांगी गई मात्रा क्वांटिटी डिमांडेड वैसे वैसे बढ़ रही है, मांगी गई मात्रा ये कीमत आपकी। अगर हम इधर से चलें, आपके 20 रुपये उसकी कीमत थी और मांगी गई मात्रा लगभग 27-28 रुपये थी, अब हमने देखा कि मांगी गई मात्रा ये प्राइस आपका बढ़ा तो मांगी गई मात्रा कम हो गई, अब प्राइस और ज़्यादा बढ़ा तो मांगी गई मात्रा और ज़्यादा कम हो गई, ये आपका मांग का नियम यानी लॉ ऑफ डिमांड हुआ। अब अगर हम यहीं एक बात और करें, इसको रफ कर रहे हैं, ये देखिए हमने यहाँ लिखा है प्राइस बढ़ा डिमांड घटी, प्राइस घटा डिमांड बढ़ी। अब मैं आपको एक जनरल वे में ये देखिए, अगर किसी वस्तु की डिमांड बढ़ी, किसी वस्तु की डिमांड बढ़ जाती है तो उसका प्राइस क्या होता है, निश्चित बढ़ेगा। अब अगर किसी वस्तु की डिमांड घट जाती है तो उसका प्राइस क्या होगा, घट जाएगा। अगर हम ये देखें नॉर्मल जीवन में, सामान्य जीवन में ये इक्वेशन आपकी आती है, किसी वस्तु की डिमांड यानी मांग बढ़ जाती है तो उस वस्तु की कीमत खुद ब खुद बढ़ जाती है, और उस वस्तु की जिसकी डिमांड घट गई उसके प्राइस कम हो जाते हैं, जबकि मांग का नियम क्या कह रहा है, प्राइस बढ़े डिमांड घटी, प्राइस घटे डिमांड बढ़ी। यानी यहाँ कैसा संबंध बना था, ऋणात्मक, लेकिन यहाँ दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं तो इनके बीच कैसा संबंध है, धनात्मक। ऐसा क्यों, यहाँ भी ये दोनों चीज़ें, यहाँ भी दोनों चीज़ें हैं, यहाँ पर संबंध आपका ऋणात्मक आया है और यहाँ पर संबंध आपका धनात्मक आया है, इसका मतलब दोनों में से कोई तो गलत है, सोचो। देखो यहाँ आपने पढ़ा है प्राइस और डिमांड, पहले क्या आया, प्राइस, यानी प्राइस आपका कोज हुआ और इफेक्ट किस पर है, डिमांड पर, यानी कारण और प्रभाव, ये क्या है, कारण और प्रभाव संबंध, यानी कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। यहां पर कारण आपका है कीमत, तो कीमत का जो प्रभाव है वो किस पर देखा गया है, मांग पर, किस पर, मांग पर, और यहां पर आपका कारण है मांग और प्रभाव किस पर देखा गया है, कीमत पर। यानी अगर आपकी किसी वस्तु की आप कीमत बढ़ा रहे हो तो उसकी डिमांड कम हो जाती है, ये मांग के नियम ने भी बताया है, ये भी सही है, ये भी सही है, इसमें कारण कुछ और था, इसमें कारण कुछ और है, तो ये आपको ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें क्वेश्चन मिल जाता है इस तरह का, हमने मांग का नियम पढ़ा है, हम जानते हैं कि वस्तु की कीमत बढ़ने पर उस वस्तु की मांग घट जाती है, लेकिन अगर हमें क्वेश्चन दे दिया जाए कि वस्तु की डिमांड बढ़ने पर उसके प्राइस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो वो क्या होगा, उसका प्राइस बढ़ जाएगा। हम मांग के नियम में ये भी गलती करते हैं, हमने ये तो पढ़ लिया कि इनवर्स रिलेशनशिप है, लेकिन किसका, प्राइस का, किसके साथ, डिमांड के साथ। हम गलती से डिमांड को अगर हमने पहले लिख दिया कि मांग और कीमत में कैसा, ऋणात्मक, लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं ऋणात्मक संबंध है, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड में कोज और इफेक्ट क्या है, कारण और प्रभाव, प्राइस और डिमांड है, यानी जो विपरीत संबंध है वो कीमत और मांग में है, यानी पहले ये नहीं आएगा, अगर ये पहले आएगा और हम ऋणात्मक संबंध लिखेंगे तो गलत है, क्योंकि डिमांड बढ़ने पर वस्तु की कीमत बढ़ जाती है और डिमांड घटने पर वस्तु की कीमत कम हो जाती है। आज की वीडियो में इतना ही,
आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसी वीडियो का अगला पार्ट जल्दी आपको मिलेगा। धन्यवाद।